नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। वसई स्टेशन पर एक शख्स द्वारा अपनी पत्नी को चलती ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने का मामला सामने आया था, जहां एक व्यक्ति ने वसई स्टेशन पर अपनी पत्नी को ट्रेन के नीचे धकेल कर उसकी हत्या कर दी और अपने दो बच्चों के साथ फरार हो गया। वहीं पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रेलवे पुलिस द्वारा आरोपी पति की तलाश की जा रही थी। वहीं रेलवे पुलिस ने आरोपी पति को भिवंडी से गिरफ्तार कर लिया है। पेश है वसई की यह एक रिपोर्ट।